इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार श्रृंगार है। मंगलसूत्र 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 मंगलसूत्र। अगर तुम्हें लगता है कि अर्जुन सच्चाई छुपा रहा था, तो तुम उस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करो। किस कमी के बारे में बात कर रही है? लेकिन मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है और ना ही करनी है। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से। मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा हो नन्ना मुन्ना सा, जो पूरे घर में शरारत करे बिल्कुल मेरे जैसे। गलती से भी यह कदम मत उठाना, और अगर यह कदम उठ भी गया तो याद रखना तुम्हारे लिए वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। मैं इस घर में आप लोगों की कामयाबी का जश्न देखने नहीं आया, बल्कि आप लोगों की खुशियों को मिट्टी में मिलाने आया हूँ। इस तरह सबको इस घर से अलग करने आया हूँ कि एक दिन इस घर में आपके आंसू पोछने वाला कोई भी ना हो, और आप खुद ये सब कुछ मेरे नाम कर दें। आपको आंसू भी दूंगा मैं, और पोछूंगा भी मैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि रितिका नवदत्त साहब ने क्या सोचकर और किस उम्मीद के साथ मुझे वहाँ बुलाया था, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मैंने तो ये खुद सोच कर रखा था कि अगर बोलने का मौका मिला तो मैं उस सारे चेहरे बेनकाब करके रख दूंगा। और रितिका ने भी मुझसे यही उम्मीद की थी कि मैं सच बोलूंगा, लेकिन मैं सच नहीं बोल पाया। किस कदर मजबूर हो गया मैं? ये मेरी मजबूरी थी या अपना स्वार्थ? खुद को बचाने के लिए मैं इतना स्वार्थी हो गया कि गुनहगारों को जिंदगी देने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। काश घर से निकलते वक्त अगर मैं फोन नहीं उठाता तो मुझे वहां खामोश रहना नहीं पड़ता, और स्नेहा को बेकसूर नहीं कहना पड़ता। हेलो। मुबारक हो अर्जुन, मुबारक हो। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद ही दूंगी, क्योंकि तुम सुंदर के चंगुल से निकलने में कामयाब हो गए, और मैं भी उसके चंगुल से निकल चुकी हूं। तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है स्नेहा। तुम तो सुंदर की सबसे बड़ी मददगार थी। सुंदर के हर छोटे बड़े जुर्म में तुमने उसका साथ दिया था, और अभी तुम किस आजादी की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लग रहा था मैडम सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी? सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ कर ही रहती है, और अब वो वक्त आ चुका है कि तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने आए। समझी तुम? ओह, तुम्हारा इरादा जानकर मुझे खुशी हुई। लगता है पूरी तरह इरादा मजबूत करके आ रहे हो। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी ऐसी औरतों का चेहरा
अगर छुपा कर रखा जाए तो न जाने कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। स्नेहा, आज तो मैं तुम्हें बेनकाब कर ही रहूंगा। तो फिर तुम अपने माँ बाप को ये बात जरूर समझा देना कि तुम जज साहब के घर से अपने घर नहीं सीधे बड़े घर जाओगे। बड़े घर समझते हो ना? बड़े घर यानी कि जेल। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कैद में रहना, जेल में रहना, ये ना तुम्हारी आदत हो चुकी है। वरना तुम ऐसी बेवकूफी वाली बात हरगिज नहीं करते। तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी और मैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। अच्छा तुम कहोगे भी तो क्या कहोगे, कि मैंने सुंदर का साथ दिया? तो लो मेरा जवाब ये होगा कि सुंदर ने उसके घर में मुझे जगह दी थी और वो भी मेरी मजबूरी थी। मैंने उसके किसी भी जुर्म में उसका साथ नहीं दिया। ये मैं सिर्फ बोलूंगी ही नहीं, साबित भी कर दूंगी। साथ में ये भी साबित कर दूंगी कि तुमने क्या क्या किया है। तुमने ब्लास्ट करके गुलशन को मारने की कोशिश की थी। तुमने अपने हाथों से शेर सिंह का कत्ल कर दिया। कुछ याद आया? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। और अगर मेरा नाम भी तुम्हारे जबान पर आया ना, तो तुम इस घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। और निकलोगे भी तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां होगी। तुम्हारे माँ बाप आंसू बहा रहे होंगे और पुलिस तुम्हें घसीटते हुए लेके जा रही होगी। Do you understand, Mr. Arjun? क्योंकि मैं जो बोलती हूँ बात चुप ही जाती है। स्नेहा, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। अपने बारे में भूल कर भी मैं स्नेहा को उसके अंजाम तक पहुंचा देता, लेकिन मैं मजबूर था ये सोचकर के मॉम और डैड जब मेरे हाथों में हथकड़ी देखेंगे तो उन पे क्या बीतेगी, क्या बीतेगी उन पे। चाह कर भी मैं स्नेहा की सच्चाई उन लोगों को नहीं बता पाया। मॉम डैड, आप तुम्हारे बारे में सोच रहे थे बेटा, इसीलिए तुम्हारे कमरे में चले आए। कितनी अजीब सी बात है ना कि तुम जिंदा हो, ये बात तुम्हें कानून के सामने साबित करनी पड़ेगी। तुम्हें इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि तुम हमारे बेटे राकेश हो। मैं जानता हूँ, एक बार उस बहरूपिये को कानून ने राकेश मान लिया था, मुझे इतनी आसानी से राकेश वो नहीं मानेगा। नहीं राकेश बेटे, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मुश्किल पेश आएगी। सारे सबूत अपने आप ये साबित कर देंगे कि तुम ही राकेश हो। और एक्सीडेंट के बाद जो तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी उससे तुम्हारा चेहरा बदल गया,
ये भी साबित हो जाएगा। और तुम्हारे केस में कानून भी ये मान चुका है कि राकेश बेगुनाह था और उसे फंसाने की साजिश की गई थी। ठीक है राज, देखता हूं क्या हो सकता है। देखो राकेश बेटे, एक्सीडेंट के बाद जिस हॉस्पिटल में तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी ना, वहां पर तुम्हारी पुरानी तस्वीर का रिकॉर्ड मौजूद है। इसके बाद भी अगर कानून को शक है तो तुम्हारा डीएनए टेस्ट करके उस शक को दूर किया जा सकता है। ठीक है डैड, मुझे कोई एतराज नहीं है। डैड, मैं ये सोच रहा था कि एक बार बेगुनाह साबित हो जाऊं उसके बाद डिसाइड करूं कि मैं एटीएस फोर्स ज्वाइन करूंगा या नहीं। नहीं बेटा, हमारा सिर तो फखर से तभी ऊंचा होगा जब तुम वही नौकरी फिर से ज्वाइन करोगे। तभी हम लोग शान से कह पाएंगे कि हमारे बेटे की वर्दी जिस कानून ने छीनी थी, हमारा बेटा सच्चा था इसलिए कानून को उसकी वर्दी फिर से लौटानी पड़ी। बेटे, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम एटीएस दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ बेटा, देशभक्ति का जज्बा दिल में लेकर पहले जो तुमने एटीएस ज्वाइन किया था, उसी देशभक्ति के जज्बे के साथ फिर से देश की सेवा करो। उसी देशभक्ति के जज्बे के साथ फिर से देश की सेवा करो। साहब जी, आप कहते हो ना कि पोता होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पोती होगी। छोरी होगी तो छोरी ही होगी, ना कि लड़का। और लड़के का ख्वाब देखने बंद कर दो आप। साहब जी, अगर शेर सिंह की बात झूठी निकल गई ना, तो इन मुंह छाने कटवा के अपने काम में चला जाऊंगा मैं। साहब जी, क्या बात है, कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो। मन परेशान हूं शेर सिंह, याद है तुमने मुझे कहा था कि साक्षी को बेटी पैदा होगी, इसी बात से मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी बात मेरे दिमाग में घर कर गई है। अच्छा, यो बात थी। अरे साहब जी, मैंने आपको बताया था ना, गांव में रहने वालों के तौर तरीके कुछ अलग ही हो गए। कर जान दो, आप इस बात नहीं समझोगे। देखो साहब जी, आप मेरी बात भी यकीन करो तो ठीक, और ना यकीन करो तो भी ठीक। आने वाला बच्चा अपना आप इस बात को बता देगा कि मेरी बात सच थी कि आपकी। नहीं शेर सिंह, तुम्हारी बात पे मुझे कतई संदेह नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं सोच में जरूर पड़ गया हूँ, क्योंकि मुझे पोती नहीं पोता चाहिए, और मैं इस असमंजस में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। तो इसमें टेंशन की क्या बात है साहब जी, आप डॉक्टर के धोरे जाओ, वो चेक करके वो बता देगा कि आने वाला बच्चा छोरा है कि छोरी। शेर सिंह, तुम साहब जी, साइंस ने बहुत घनी तरक्की कर रखी है, लेकिन एक दिक्कत है साहब जी, इस तरह का चेकअप करवाना कानूनी जुर्म हुआ है। आपने किसी डॉक्टर की गलियां चुपचाप सेटिंग करनी पड़ेगी, किसी ने कानो कान खबर नहीं लागनी चाहिए। आपने अपना आप बता देगा कि छोरा है कि छोरी। ठीक है शेर सिंह, वैसे कुछ डॉक्टर्स हैं मेरी पहचान के जो इस बारे में हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन राहुल को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। साहब जी, किसी ने भी इस बात का कानो कान खबर नहीं लगेगा, और आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। बल्कि मैं तो यूं कह रहा हूं, बहू रानी ने भी इस बारे में बताने की कोई जरूरत ना है। अरे चुपचाप चेकअप के बहाने अस्पताल ले जाओ, चेकअप होगा, डॉक्टर आपने बता देगा कि होने वाली औलाद
लड़का है कि लड़की। जो इरादे बना रखे हैं कि तुम राजनीति में कदम रखोगी, तुम्हारे इरादों को तो वो चकनाचूर कर देगी। और अगर तुमने चुनाव लड़ा भी तो तुम्हें इतना बदनाम कर लेगी कि तुम जीत तो नहीं पाओगी। और आपको ये भी मालूम है मैडम कि रितिका बिकाऊ नहीं है, और इसीलिए उसे पैसों मैं देखती हूँ राजनीतिक स्तर पर उसकी नौकरी को बहाल होने से कैसे रोका जा सकता है। लेकिन जल्दी, क्योंकि बहुत जल्द रितिका की पेशी इंक्वायरी कमीशन के सामने होने वाली है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा खेल उससे पहले खेल लो। अब मैं चलती हूँ। क्यों मिलना चाहते थे? याद है आपको क्या कहा था मैंने आपसे? कि मेरे जीते जी रितिका के कदम मेरे घर की दहलीज पर नहीं पड़ेंगे। मुझे आपका कहा हुआ हर लफ्ज याद है। मैं कुछ भी नहीं भूलता। तो फिर बार बार रिश्तों की दुहाई क्यों दी जा रही है? क्यों बार बार रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है? पहले ये कोशिश आप कर रहे थे, अब आपने इस काम के लिए अपनी बहन
कावेरी जी को लगा रखा है। कितनी छोटी सोच है आपकी। आप अपने आप को क्या समझते हैं? अब मेरी बेटी को क्या समझते हैं? अरे आप जैसे लोग तो उसे मिलने के लिए तरसते हैं। वो जिस पोस्ट पर थी ना, वो मकाम उसे फिर हासिल होगा। मैंने अपनी बेटी को इतना काबिल बनाया है कि उसे आप जैसे लोगों का मोहताज ना होना पड़े। तो फिर जाइए और जाकर कह दीजिए अपनी बेटी से। क्यों रिश्तों को उभारने की कोशिश की जा रही है? क्यों, किस लिए? जो रिश्ता टूट चुका है, मिट चुका है, उसे दफन क्यों नहीं कर देते आप लोग? अरे आपके कहने से ना तो रिश्ते टूटेंगे ना दफन होंगे। ये तो मेरी बेटी की अच्छाई है कि वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर रही, अपना हर फर्ज निभा रही है वो। लेकिन आपके मंसूबे मैं खूब समझता हूँ। आप चाहते हैं कि रिश्ता टूट जाए ताकि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर लें। अगर आपका कहा हुआ हर लफ्ज मुझे याद है ना, शायद आप मेरी बात भूल गए कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि आपके घर की बहू मैं किसी और लड़की को बनने नहीं दूंगा, आपके बेटे पर सेहरा नहीं बनने दूंगा मैं। जिस दिन मैंने ठान लिया ना मेरे बेटे की दूसरी शादी होगी और मेरे घर दूसरी बहू भी आएगी। जज साहब, अगर आपकी बेटी दो दो शादी कर सकती है तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता? अपने बेटे की दूसरी शादी करके दिखाऊंगा मैं। आप अगर रोक सकें तो रोक लीजिएगा।